ये देखिए गाइस, आज यम्मी टेस्टी सा नाश्ता बनाने जा रहे हैं, जो कि सोयाबीन की बरी से, 10 से 12 सोयाबीन की बरी से बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी नाश्ता बनकर के तैयार होगा। ये काफ़ी हेल्दी होगा, जो कि बहुत ज़्यादा बच्चों को भाने वाला। तो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस, तो ये देख सकते हैं हमने 9 से 10 लगली ले ली हैं सोयाबीन की बरी, देख सकते हैं ये। तो इनको क्या करेंगे, भिगोएंगे, क्योंकि ये न्यूट्रिशियस तो होती ही होती हैं बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। तो देखिए, इनको हमने डाल दिया एक बाउल में और डाल देंगे नमक। नमक ऐड करने के बाद में इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, वो भी एकदम गर्म हॉट वाटर चाहिए होगा, क्योंकि जब तक हम आगे की तैयारियाँ करेंगे ना, तब तक ये हमारे अच्छे से सोक कर लेंगी। तो चलिए देख लेते हैं आगे की तैयारियाँ, और इस तरह से हिला देते हैं जिससे कि नमक भी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए, नमक मिक्स हो चुका है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं अपना। तो ये ले लिया एक थोड़ा सा बड़ा आलू ले लिया है, जिसको हम करेंगे ग्रेट। तो ये देख सकते हैं, ये छोटे जो पीस हैं इसमें से नहीं ग्रेट करेंगे, जो कि बड़ा ग्रेटर है, बड़े छेद वाला, उससे हम ग्रेट करेंगे। तो ये देख सकते हैं इस तरह से करेंगे कि लंबाई में ये आए पीसेस, जो कि बहुत टेस्टी, बहुत अच्छे लगेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें मोटे पीसेस चाहिए आलू के ग्रेट किए हुए। तो इसी तरह से देखिए, हमने सारे ग्रेट कर लिए हैं और इनको जल्दी से डाल देंगे पानी में, जिससे कि ये काले ना पड़े और अच्छे से इनका स्टार्च भी निकल जाए। तो देख सकते हैं हमने डाल दिया है। तो चलिए, जब तक धुल कर रख दिया तब तक लगा लेते हैं डो। तो ये हमने ले लिया एक कटोरी आटा और इसमें 3 स्पून चावल का आटा, इससे ये क्रिस्पी भी बहुत बनेंगे, तो बहुत टेस्टी बनेंगे। तो देखिए, इस तरह से छान लेंगे, जिससे कि कोई भी अशुद्धि हो तो वो निकल जाए। एक नमक ले लेंगे स्वाद के अनुसार, लाल मिर्च पाउडर टेस्ट के हिसाब से, और हल्दी कलर के लिए आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। हींग थोड़ी सी, 2 से 3 पिंच। देखिए गाइस, ये बहुत हेल्दी है, बहुत टेस्टी, जो डाइट फॉलो करते हैं उनके लिए भी बहुत टेस्टी है। तो ये देख सकते हैं हमने डाल दिया 1 स्पून के करीब ऑयल, और अब हम इसका सख्त डो बना लेंगे। आज तक शायद ऐसा नाश्ता आप लोगों ने नहीं खाया होगा आलू का। तो देखिए, डो अच्छे से लग चुका है, सख्त लग गया है। तो इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे, तब तक बना लेते हैं हमने फिलिंग। तो ये देखिए, हमने ले लिया है प्याज 1 मीडियम साइज़ का, और 1 हरी मिर्च, और ये हमने ले लिया 1 इंच से भी टुकड़ा छोटा सा अदरक का है, क्योंकि ज़्यादा तीखा नहीं हम बनाएंगे, और इसे चॉपर में डालकर चॉप कर लेंगे। ये देखिए, बारीक चॉप कर लिया है। लहसुन, प्याज, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया एक तरह से दरदरा। और ये देखिए, ये हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी हैं सोयाबीन बरी, तो इनको भी चॉपर में डालकर महीन ग्राइंड कर लेंगे। तो देख सकते हैं, ये देखिए अच्छे से हो गया है, बस इसी तरह से हमें चाहिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं। ये हमने अपनी रख दी है एक पैन, इसमें डाल देंगे 2 स्पून के करीब ऑयल। तो ये देख सकते हैं, ज़ीरा ऐड करेंगे इसमें, और अब जो हमने कट करके रखा था प्याज, उसको भी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा ब्राइटनेस ज़्यादा हो गई है, उसके लिए सॉरी गाइस, क्योंकि हमारे किचन में थोड़ा सा धूप आ जाती है इस वजह से। अब डाल देंगे हींग और सोयाबीन की बरी जो हमने कट करके रखी थी, और ये आलू ग्रेट किया हुआ, सारा कुछ डाल देंगे। इसे हम नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार, तो हल्दी पाउडर कलर के लिए, और डाल देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, ये काली मिर्च पाउडर, और अब ऐड करेंगे चाट मसाला। अब इसे मिक्स करते हुए इसे कुक कर लेंगे। देखिए, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, हाई फ्लेम पर इसको पकाना है। और डाल दिया हींग, क्योंकि इसमें भी हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और अब डाल दिया है थोड़ा सा अमचूर पाउडर, जीरा पाउडर, तो ये सारे पाउडर हमने ऐड कर दिए हैं। और अब इसे हम अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और हाई फ्लेम पर ये सेकना है, क्यों, क्योंकि हमें इसका पानी जो है वो हटाना है, जैसे आलू वगैरह में जो मॉइस्चर है वो हटाना है, ज़्यादा कुक नहीं करना है, बिल्कुल मैशी नहीं करना है हमको। तो ये देख सकते हैं, इस तरह से हम पका लेंगे। और अब पक चुका है हमारा, तो फ्लेम को करेंगे बंद, और इसमें ऐड करेंगे हम ऑर्गेनो। तो देख सकते हैं, इसमें ऑर्गेनो डाल देंगे थोड़ा सा, और इसे हम मिक्स करके अलग प्लेट में ठंडा कर लेंगे।
तो ये देख सकते हैं क्योंकि कढ़ाई में ही बना रहा है, तली हमारी इतनी हार्ड है, तली भारी है तो जल्दी ठंडा नहीं होगा, इसलिए हमने प्लेट में कर लिया है। तो अब चलिए अपना डो देख लेते हैं। तो डो भी अच्छे से हो गया है सेट, तो इसको मसल लेंगे एक बार अच्छे से और फिर इसकी हम लोइयां बनाएंगे। ये बिल्कुल यूनिक तरीके का नाश्ता बन रहा है, आप इसे मोमोज भी बोल सकते हैं, मगर इसे हम दो तरीके से बताएंगे। तो देखिए इस तरह से करते हुए हम इसकी लोइयां कट कर लेंगे, चाहे तो आप ऐसे हाथ से कट कर लें या फिर आप नाइफ से भी कट कर सकते हैं, इस तरह से बराबर बराबर भाग में। बहुत बड़ी लोई नहीं, बहुत बड़ा पीसेस नहीं करना है लोई का, बहुत थोड़ा सा आटा लेना है, ये देख सकते हैं इस तरह से। अभी उंगली और अंगूठे की सहायता से इसको हम बड़ा करेंगे, गोल करेंगे और अब इसमें हम जो स्टफिंग बना करके रखी है बस उसको फिल करेंगे। तो इस तरह से देखिए इसको हम कर देंगे फिल अच्छे से एक स्पून से ले करके, जितना आपकी लोई में आ जाए, जितना आपके आटे में आ जाए उतना फिल कर लेंगे हम इसे। और ये देखिए इस तरह से प्लेटें बनाते हुए इसको हमें बंद करना है। एक बात और गाइस, ये ओपन नहीं रहना चाहिए वरना जिस तरीके से हम बनाएंगे ना तो दिक्कत करेगा, इसलिए अच्छे से इसको बंद करना है। वीडियो देखते रहिएगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, आप खुद कहेंगे कि वाकई में ये बहुत टेस्टी नाश्ता है और आप घर पर जा कर के बना देखेंगे और घर पर बनाएंगे भी इसका टेस्ट लेने के लिए। तो देखिए इस तरह से हमने करते हुए उंगलियों की छाप दे दी है और ये हमारा बन करके तैयार है। तो बस इसी तरह से हम दूसरी भी ले लेंगे और आपको दूसरी भी दिखा रहे हैं, उसी तरह से उंगलियों की सहायता से हम बड़ा करेंगे लोई को और इसमें हम मिक्स किया हुआ जो बैटर बना करके रखा है स्टफिंग उसको कर लेंगे स्टफ और अच्छे से प्लेटें देते हुए इसको हम बंद करेंगे, मगर ऐसे बंद करना है कि ये ओपन ना रहे। तो इस तरह से देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से बंद करना है। तो चलिए इसी तरह से हम सारी की सारी बना करके रख लेंगे जिससे कि आगे हमें दिक्कत ना हो। तो ये देखिए इस तरह से बन गया, कहीं पर भी ओपन नहीं है। तो चलिए ये देखिए इतनी सारी बन गई हैं, तो चलिए बनाते हैं और इतनी हम बनाना शुरू करेंगे, बाद बाकी जो बचेंगी वो भी बनाते रहेंगे। तो ये देखिए हमने लगभग दो ग्लास पानी ऐड किया हुआ है इसमें और ये देखिए अपनी डाल देंगे इसमें लोइयां, ये देख सकते हैं इस तरह से, और इसे हम पकाएंगे। तो इसे हमें लगभग 12 मिनट पकाना है, तो आगे देखते रहिए कि इसे हमें 12 मिनट कैसे कैसे कुक करना है, पूरी विधि बताई हुई है जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए बॉयल आने लगा अच्छे से, इसी तरह से बॉयल देते हुए हमें इसे पका लेना है ढक करके, और ये हाई फ्लेम पर ही पकाना है क्योंकि हाई फ्लेम में ना बॉयल अच्छा आता रहता है इस वजह से। तो इस तरह से ढक करके पका लेंगे, कुक कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी लगभग लगभग धीरे धीरे ऊपर आने लगी हैं, एक बार देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए इस तरह से। तो इसे हम पकाएंगे 6 मिनट पहले, ये देखिए आप देख रहे होंगे 6 मिनट, तो इसको हम 6 मिनट पका लेंगे और 6 मिनट पकाने के बाद में इसको हम हल्के हाथों से रोटेट करेंगे ताकि हमारी दूसरी साइड में भी अच्छे से कुक हो जाए, कच्चे रहने का तो कोई सवाल ही ना हो। इस वजह से हमें टोटल 12 मिनट पकानी है, यानी 6 मिनट एक तरफ 6 मिनट एक तरफ। तो ये देखिए हल्के हाथों से करना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं ये, जब पकने लगती हैं तब बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं, तो चम्मच से या कोई भी स्पैचुला लें तो उससे क्या होता है डर लगता है कि टूट ना जाए इस वजह से। तो देखिए हमारी अच्छे से कुक हो चुकी हैं पूरा दोनों साइड में, तो आप देख सकते हैं इस तरह से हटा करके हम देख लेंगे। ये देखिए, ये देख सकते हैं साइड में एक फूट भी गई है क्योंकि हम चलाते समय स्पून लग गया था रोटेट करते समय इस वजह से। तो ये देखिए इस तरह से हम करते हुए इसको बारी बारी से निकाल लेंगे। तो एक थाली ले ली है, स्ट्रेनर ले लिया है, ऐसे रख देंगे जिससे कि जो पानी होगा वो हमारा सारा थाली में निकल जाएगा। तो इसी तरह से हम सारी निकाल कर रख लेंगे और इन्हें करेंगे ठंडा। तो आप भी वीडियो स्किप करके मत जाइएगा, बहुत टेस्टी आगे नाश्ता बन के तैयार होगा, देखिएगा। जिनको फ्राई वाला अच्छा लगता है वो फ्राई कर लेंगे और जिनको ऐसे ही अच्छा लगता है वो ऐसे ही खाएंगे। तो देखिए इस तरह से भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी।
तो चलिए हम इसमें एक तड़का और लगाते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारा स्पून लग गया था जिसकी वजह से ये टूट गई है, तो उसको सावधानी से करना होता है बहुत ज़्यादा। तो ये रख लिया है हमने ऑयल और इसमें डाल देंगे फ्राई करने। तो ये हम डीप फ्राई कर रहे हैं, आप शैलो फ्राई भी करके खा सकते हैं या आप बिना फ्राई किए हुए खाना चाहें तो बिना फ्राई किए हुए भी खा सकते हैं। तो बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी है, ये देख सकते हैं। इस तरह से हम सेक लेंगे बढ़िया क्रिस्पी, तो देख सकते हैं। ये देखिए गाइस, ये इतना ज़्यादा फूल गई हैं, तो जिसमें जो इस पर उंगलियों के निशान बनाए थे वो भी हट गए हैं, तो देख सकते हैं। ये देखिए इसमें साफ साफ दिख रहा है, तो ये भी फूल जाएंगे तब ये भी नहीं दिखेंगे। तो इसी तरह से हम सेक लेंगे। तो ये दो बैच देखिए, पहले का बैच जो था वो सिक गया है, उसको अलग टिशू पेपर पर या प्लेट में ऐसे ही रख लेंगे और फिर गर्मा गर्म सर्व करेंगे ये चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ, या ऐसे ही चटनी के साथ, या बिना चटनी के ऐसे ही खाएं आप। बहुत टेस्टी लगता है गाइस, हमारे बच्चे तो इतना, हमारे बच्चों को इतना पसंद आया ना कि उन्होंने लास्ट में वीडियो हमको कट करके दिखाने तक नहीं दिया है जो हम आप लोगों को दिखा सकते, इतना उन लोगों को अच्छा लगा कि ऐसे ही दिखा रहे थे और उन्होंने प्लेट ले ली, ख़त्म कर डाला। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर भेजा करें। दिखा रहे हैं आप देख सकते हैं, और ये सुनिए इतना टेस्टी, इतना क्रिस्पी। तो आप लोगों ने इसका क्रिस्प सुना कि कितना टेस्टी, कितना यम्मी है। तो बरसात में कुछ भी टेस्टी सा खाने का मन करे तो ये बनाइए। तो अगर हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।